अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका बच्चा फीडर या चूसनी मुसलसल मुंह में रखता है और आपको लगता है कि उसकी वजह से उसके दांतों की शक्ल मुतासर हो रही है या उसके जबड़े की शक्ल मुतासर हो रही है, तो इस वीडियो को देखिएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसके सिलसिले में आप क्या कर सकते हैं उसको तब्दील करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए। शुक्रिया। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला करामत है और मैं प्रोफेशन के अतबार से एक डेंटिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो ये है कि बच्चों के बीच में चूसनी के इस्तेमाल से उनके दांतों पे या उनके जबड़े की जॉज की शक्ल पे क्या फ़र्क आता है। बहुत से माँ बाप जो है वो इस बात को प्रेफर करते हैं कि उनका बच्चा जो है वो चूसनी इस्तेमाल करे। बहुत से लोग इस चीज़ पे बजद हैं या प्रेफर करते हैं कि उनका बच्चा चूसनी इस्तेमाल ना करे। बहरहाल, जो लोग चूसनी को इस्तेमाल करते हैं या लेट्स से कि फीडर इस्तेमाल करते हैं, तो बहरहाल उसके बीच में जो चूसने की चीज़ होती है, जो निपल होता है, वो तो तकरीबन सेम होता है। तो उससे ये होता है कि उसका अगर एक मुसलसल इस्तेमाल किया जाए, कुछ अरसे तक उसका इस्तेमाल किया जाए, मिसाल के तौर पर 2 साल तक या 3 साल तक, कुछ बच्चे उसके बाद भी उसको छोड़ने से कतराते हैं या मुश्किल हो जाता है उनके लिए छोड़ना उसको, तो वो उनके जबड़े की जो शेप होती है, जो साख्त होती है, उसके ऊपर फ़र्क डाल सकता है। इसमें अमूमी तौर पे ये देखा गया है कि उसमें पेरेंट्स जो हैं उनको शुरू में तो शायद ये ना पता चले, लेकिन उसका मुसलसल इस्तेमाल जो है उससे वो गौर करना शुरू करेंगे कि जो बच्चा है उसके जो सामने के दांत हैं ख़ास तौर पे, तो उनके ऊपर और नीचे के दांतों में थोड़ा सा गैप आने लग जाता है। इसको हम इंटीरियर ओपन बाइट कहते हैं कि आगे से बाइट ओपन हो गई है। दूसरा इससे ये होता है कि जब निपल या वो जो चूसनी है वो मुंह में डाली जाती है, तो उसकी वजह से जो ज़ुबान है आम तौर पे उसने तालू के साथ रहना होता है, मगर उस चूसनी की मौजूदगी में वो ज़ुबान नीचे वाले जबड़े की तरफ आ जाती है। उससे ये होता है कि जो ऊपर वाला जबड़ा है उसकी जो शक्ल है वो थोड़ी सी छोटी रह जाती है, साइड से वो थोड़ी सी कंस्ट्रक्ट कर जाती है, उसकी ग्रोथ उस तरह से नहीं हो सकती जिस तरह से होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली उससे जो एक इम्प्रेशन आता है शक्ल के ऊपर, जो उसकी जबड़े की साख्त पे एक शक्ल आती है, वो इस तरह से होता है कि जो मुँह है वो ऐसे लगता है कि वो साइड से थोड़ा सा भींचा गया, थोड़ा सा छोटा हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया और आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ गया, जिसको आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि बच्चे के दांत ऊँचे होने लग गए हैं या बाहर को आने लग गए हैं। तो इसमें बुनियादी तौर पर 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि वो जो दांतों की मूवमेंट होती है वो हो रही होती है उस चूसनी के रखने की वजह से, एक खास शक्ल बन जाती है उस जगह पे, जिससे वो आगे की तरफ महसूस होने लग जाते हैं या थोड़े बाहर को आने की तरफ महसूस होने लग जाते हैं। दूसरा ये होता है कि वो जो जबड़ा है उसकी शक्ल चेंज होने लग जाती है। तो अल्टीमेटली ये होता है कि इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है अगर ये हो भी जाता है तो। इसमें ये देखा गया है कि अगर जो चूसनी है उसका इस्तेमाल तर्क कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए, उसको लेट्स से कि 2 या 3 साल के बाद अगर छोड़ दिया जाए, तो अल्टीमेटली बहुत से बच्चों के बीच में ये चीज़ रिवर्स हो जाती है, उनके दांत दोबारा अपने आप को लेवल पे लेके आने लग जाते हैं और नॉर्मल होने लग जाते हैं। लेकिन इसमें ये बेहतर है कि ये अमल जितनी जल्दी हो सके वो छोड़ दिया जाए, जितना इसको आगे जाके छोड़ा जाएगा, जितना लेट किया जाएगा उतना उस चीज़ के वापस जाने का चांस जो है वो कम हो जाता है। तो अगर ये चीज़ हो जाती है और वापस नहीं जा रही, तो उसके बाद फिर ये हो सकता है कि उसके बाद फिर इंतज़ार किया जा सकता है कि जब वो हैबिट छोड़ दी गई है उस चूसनी के इस्तेमाल को, जब भी तर्क कर दिया गया जितना जल्दी हो सके, उसके बाद फिर बच्चे के जब पक्के दांत आने लग जाते हैं, जो अमूमी तौर पे 5, 5.5, 6 साल की एज पे आने लग जाते हैं, तो जब वो आने लग जाते हैं तो फिर उनको मॉनिटर करना होता है कि वो आ रहे हैं तो आया वो भी टेढ़े हैं या वो ठीक हैं। अमूमी तौर पर वो ठीक होते हैं अगर उस चूसनी के इस्तेमाल को, या कुछ बच्चे होते हैं जो चूसनी की जगह अंगूठा या उंगली मुँह में डालने लग जाते हैं। तो चूसनी, अंगूठा या उंगली या इस तरह की कोई भी चीज़ जो मुंह में मुसलसल रखने की आदत हो, उससे दांत ऊंचे हो जाते हैं, जबड़े की शक्ल मुतासर होती है, और इसको कम से कम 2 साल के बाद छुड़वाना बहुत बेहतर है ताकि इसके जो नुकसानात हैं उनसे बचा जा सके। शुक्रिया। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।